हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्शंस ट्रेडर टुडे। सो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस किस तरह मूव कर रहे थे लास्ट वीक और दीज कमोडिटीज़ किस तरह मूव कर सकती हैं नेक्स्ट वीक। सी अगर हम गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि दो पैटर्न फॉर्म हो रहे थे, एक तो 2012 से 2020 ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर पैटर्न हुआ फॉर्म हुआ है सेकेंड टाइम वो हुआ है 2020 to 2022। ओके, और हमने क्या देखा है कि जब भी पैटर्न फॉर्म हुआ है एक फॉल आया है और ये सेम चीज़ दूसरे पैटर्न में भी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने एक राइज देखा है बट इसमें पर्टिकुलर राइज नहीं देखा है। सो हम क्या देख सकते हैं इन द नेक्स्ट वीक इन गोल्ड, तो नेक्स्ट वीक में मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन करेगा तो हम इसको 18 डॉलर्स की तरफ आते हुए देख सकते हैं, और उस लेवल को भी सस्टेन कर जाता है तो हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 1748 डॉलर्स जाते हुए देख सकते हैं। ओके, जैसे ही इसने 1748 डॉलर सस्टेन करेगा तो हम एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड 1756 जाने की, और उसके बाद हम इसको 1780 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये सस्टेन कर जाएगा उसको तो हम इस रेंज में अगेन एक गोल्ड को देखेंगे, उसके बाद अगर ये सस्टेन करता है तो प्रोबेबिलिटी हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड 1796 और उसके बाद हम इसको 1820 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। जब ये 1820 जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है कि फिर हम इसको फर्दर अपसाइड जाते हुए देख सकते हैं। मान लीजिए अगर गोल्ड इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है अगर इसको सस्टेन नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 1686 जाते हुए देख सकते हैं जो कि करंटली चल रहा है 1706 डॉलर्स पे। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको क्लियरली बताए थे एक डाउन ट्रेंड है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये और नीचे जा सकता है। ओके, सो अगर ये इसके नीचे जाता है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि हमें 1678 देखने को मिले। ओके, और ये 1678 एक वीक सपोर्ट है, सो आप ध्यान रखिए जब भी ये अराउंड 1683 की तरफ जाता है नीचे की तरफ तो प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है कि इस लेवल पर इसके नीचे जाएगा और हम इसको फर्दर डाउन जाते हुए देख सकते हैं और टच कर सकता अराउंड 1664 और 1670 के करीब, ये 1678 तोड़ के यहाँ आ सकता है, और अगर मान लीजिए उस लेवल को भी नहीं सस्टेन किया तो 1654 जा सकता है, ठीक है, और इसके बाद हम इसको फर्दर डाउन जाते हुए देख सकते हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें, आप अगर सिल्वर की बात करें तो एक रेंज मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये रेंज टूटेगी हम सिल्वर को फर्दर डाउन साइड जाते हुए देख सकते हैं। तो देखिए इसने एक लो मारा था 20.5, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक बाउंस बैक दे सकता है 20.5 के बाद, क्योंकि ये जो लेवल था वो एक ही बार टेस्ट हुआ था और इसकी प्रोबेबिलिटी हाई थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो उसके बाद ये एक बाउंस बैक मारा है। जैसे ही इसने सेकंड टाइम मारा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम टेस्ट था और सेकंड टाइम इधर था, तो जैसे ही ये नीचे जाता तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी कि ये अराउंड 18.5 तक जा सकता है, और अब देखिए इसने एक लो मारा है अराउंड 18.105 का, ठीक है। मान लीजिए इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्दर डाउन जा सकता है 18.210, और अगर उस लेवल को भी सस्टेन नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी हम इसको फर्दर डाउन टुवर्ड्स 17894 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है, और अगर उस लेवल को भी सस्टेन नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी है 17.578 और देन उसके बाद फर्दर डाउन अराउंड 16376 जाते हुए देख सकते हैं। ओके, बट मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है सिल्वर तो हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 19.421 देख सकते हैं अगर इस लेवल को सस्टेन करता है, ठीक है, उस क्योंकि ये और जैसे ही अगर इसको सस्टेन करेगा तो हम प्रोबेबिलिटी है इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 20.211 देख सकते हैं। और एक बात और, जब 19.421 को सस्टेन करता है दैट मींस अगर इससे पहले एक लेवल है जो कि इसको सस्टेन करना पड़ेगा अराउंड 18.895, ओके, सो अगर 18.895 को सस्टेन करता है तब हम इसको 19.421 जाते हुए देख सकते हैं, अगर इसको सस्टेन करेगा तो फिर 20 प्लस जा सकता है। ओके, अगर क्रूड की बात करें तो इसमें भी कंटिन्यूस फॉल हो रहा है क्रूड में, और मैंने आपको पहले भी बताया एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्रूड में कि जब भी ये हाई मारता है हमने इसको डाउनफॉल आते हुए देखा है, ठीक है, और ये फिफ्थ टाइम था जब ये एक पैटर्न सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और ये सिक्स टाइम है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर की साइड जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है सिक्स टाइम भी एक सेम पैटर्न बन सकता है,
बट मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है, क्योंकि अभी सपोर्ट उस लेवल का आया नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी डाउनफॉल देखा है हमने तो एक सपोर्ट ने एक सपोर्ट किया और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा है हमने। मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो हम इसको 94.77 जाते हुए देख सकते हैं, और ये पर्टिकुलर लेवल 19.477 जैसे ही नीचे जाएगा क्योंकि वीक सपोर्ट है, तो हम इसको फर्दर डाउन टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड 93 जाते हुए देख सकते हैं। मान लीजिए उस लेवल को भी सस्टेन नहीं करता है तो हम इसको अराउंड 20.20 जाते हुए देख सकते हैं। ओके, जैसे ही ये नीचे आएगा तो प्रोबेबिलिटी इसकी हाई हो जाती है अराउंड $85 आते हुए। ठीक है, मान लीजिए $85 जैसे ही नीचे जाएगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको $77 जाते हुए देख सकते हैं, और उसको भी सस्टेन नहीं किया तो फर्दर डाउन जाते हुए देख सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये जो पर्टिकुलर लेवल चल रहा है 97.59 इसको सस्टेन कर जाता है, अनसर्टेन है, यू विल नेवर नो दैट, ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर एक डायरेक्शन में भी जाता है तो ये हॉल्ट करता है तब ऊपर जाएगा, इसी तरह ये मूव करता है। अगर ये नीचे भी जाएगा तो एक डायरेक्शन में नीचे नहीं जाएगा, हॉल्ट करेगा, एक रेंज में जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके मूव करेगा। मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल 100.74 जाते हुए देख सकते हैं, और अगर उस लेवल को भी सस्टेन कर गया तो प्रोबेबिलिटी हम इसको अराउंड 104.6 जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, और ये 104.6 ऑलरेडी वीक्स रेजिस्टेंस है तो प्रोबेबिलिटी हाई है हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 106 जाते हुए देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 109.18 जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सस्टेन करेगा तो हम इसको 111 आते हुए देख सकते हैं, और ये 111 ऑलरेडी वीक रेजिस्टेंस है तो प्रोबेबिलिटी हाई है इसको अराउंड 113 जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 113 सस्टेन करेगा तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 115 जाते हुए देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वीक रेजिस्टेंस है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स लेवल ऑफ 120 जाते हुए देख सकते हैं। एंड देन अगर इसको सस्टेन करेगा तो फर्दर अपसाइड। अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है नेचुरल गैस में, सो प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम इसको फर्दर अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि जब भी एक हमने देखा है कि हाई मारने के बाद ये कंटिन्यूस डाउन आता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बायबैक देखने को मिला है। ठीक है, मान लीजिए अगर नेचुरल गैस इस लेवल को सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी हाई है इसको अराउंड 7.4 जाते हुए देख सकते हैं, और अगर उसको भी सस्टेन कर गया तो प्रोबेबिलिटी हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स लेवल ऑफ 7.55 जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसको सस्टेन करेगा तो प्रोबेबिलिटी है अराउंड $8.2 जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद फर्दर अपसाइड। बट मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो हम इसको अराउंड 6.949 जाते हुए देख सकते हैं, उसके बाद हम अराउंड 6.837 जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उस लेवल को भी सस्टेन नहीं करेगा तो प्रोबेबिलिटी हम इसको टुवर्ड्स लेवल 6.590 एंड उसके बाद अराउंड 6.365 जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाया तो प्रोबेबिलिटी अराउंड 5.961 जाते हुए देख सकते हैं, और इस लेवल को भी सस्टेन नहीं किया देन उसको फर्दर डाउन जाएंगे और अराउंड 5.894 टू अ लेवल ऑफ 5.7 देख सकते हैं। जैसे ही 5.7 टच करेगा और उसको सस्टेन नहीं करता है तो हम इसको फर्दर डाउन जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं।